Hello and welcome once again. You're watching NDTV 24/7 and we have a very special episode for you. I'm coming to you live from Lucknow. It's looking beautiful. It's almost like a holiday because people are voting, have voted today actually, and they voted not only in Lucknow but in 13 other constituencies of Uttar Pradesh. And it's a special show, not just because we're looking at the big high profile seat of Lucknow, which is considered a BJP bastion, but we're also going across to the Congress bastions, Amethi particularly, where my colleague Alok Pandey and I will be attempting a jugalbandi. You're in Lucknow, so there's going to be some music that's going to happen. So Alok, what is it that you will be bringing us? Well, Amitoj, you are a very clever man. You got yourself posted to Lucknow and me to Amethi so that you could go to Tunde Kababi or wherever you want to go. But I'm also in Amethi. I don't have that exotic stuff for you, but I have these golgappas, which I'll try later. But we will be discussing Rahul Gandhi, Smriti Irani, Rae Bareli, a host of issues to discuss here in one of UP's most high-profile seats. All right, Alok, we'll be coming back to you in just about 10 minutes' time to talk about the Congress bastion. But let's start with the BJP bastion. We're talking about Rajnath Singh, the sitting MP of the BJP, who voted early morning today. And of course, the candidates up against him from the Congress and the BSP-SP alliance. From the Congress, you have a very interesting spiritual guru that they've put up. And from the BSP-SP alliance, you have Poonam Sinha, the wife of Shatrughan Sinha, an actor, but somebody who might be considered by a lot of people as a parachute candidate. यहाँ पे हम बात करते हैं लोगों से जो लखनऊ के निवासी हैं. तहसीब के साथ बात करेंगे हम क्योंकि लखनऊ की तहसीब है. आप बताइए सर कि आपको किस तरफ लहर दिख रही थी आज, क्योंकि वोटिंग हुई है, आपने भी शायद वोटिंग करी है. हमारे रमज़ान मुबारक में हम अपने भाई को, हमारे जो मेरी जो फेवरेट पार्टी है वो समाजवादी पार्टी को मैं अपने विश करना चाहता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे यूपी में और बाहर भी हर जगह वो छाएं. और लखनऊ में क्या लहर है? लखनऊ में समाजवादी पार्टी आपके हिसाब से? अच्छा, मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट है वो. नहीं, पर पार्टी की वजह से या पूनम जी की वजह से? पूनम जी की वजह से नहीं, ये अखिलेश यादव की वजह से जो वो हर एक के दिल में भी हैं. और ये घंटाघर भी देख रहे हैं, हम बड़े मामवाड़ा भी देख रहे हैं. इन्हीं ने काम किया है, और कोई पार्टी ने काम नहीं किया. इंसान को और नोच लिया इन्होंने इंसान के बाद. लेकिन राजनाथ सिंह जी जो हैं वो तो यूनियन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स में. आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पे हैं? नहीं, राजनाथ तो उनको भी देख लिया, अब एक बार अखिलेश यादव को भी तो देखना चाहते हैं. बस उनको देख के बस एक बार ये देख लें कि उन्हीं ने जो काम किया, अब राजनाथ की जगह अखिलेश को देखना चाहते हैं. यहाँ पे क्या क्या लहर लग रही है आपको? आप बताइए, आप किस तरफ लगा आपको? जी, बहुत अच्छा लगा. वोटिंग करी आपने? जी. अच्छा, किस तरफ आपको लग रही है कि कौन जीतेगा, क्या हुआ आज? यहाँ तो आज कांग्रेस की वजह से. और आपको? देखिए, हम ये इतना कहना चाहते हैं, धर्म जाति और किसी विवाद को छोड़कर देश का विकास और राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित में जो भी वोट देगा वो बेहतर रहेगा. और इस समय राजनाथ सिंह और हमारी बीजेपी पार्टी आगे है. यहाँ पे तो 1991 से बीजेपी हारी नहीं है, तो किस एंगल से लगता है इस बार हारे? देश की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ की बात है ही नहीं इस बार? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, देश की बात हो रही है. अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए. हाँ, नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि देश की बात है, बीजेपी का मतलब की सीट है ये, बीजेपी जीतेगी यहाँ से, आपको क्या लगता है? देखो, अभी तो कुछ कहा नहीं जाता, बीजेपी जीतेगी. वोटिंग तो हो गई, अभी तो रिजल्ट आया नहीं उसका. हाँ, अभी तो. आपको क्या लगा? हम लोग तो लगता है वही साइकिल जीतेगी यहाँ से. क्लियर है वो लगता है. अच्छा, आइए. और पहली बात है, क्लियर होना ही चाहिए. यहाँ पे जो अखिलेश यादव ने किया उसके बराबर कोई टक्कर ही नहीं यहाँ पे, समझिए पहली बात ये. अच्छा भाई, अखिलेश यादव ने जो किया उसके बराबर बताइए, आपने कुछ किया यहाँ पे? सत्ता में कोई भी है? नहीं, आप कौन है, मतलब एक सेकंड, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो सपोर्ट इस वक्त कांग्रेस को करूँगा, क्योंकि लोकसभा में सिर्फ दो ही नेशनल पार्टी है, बीजेपी एंड कांग्रेस. तो कांग्रेस को, यूपी पार्टी जो अपनी सपा है वो विकास के मामले में अखिलेश ने कुछ ज़्यादा काम करे हैं, और जो बीजेपी आपकी पार्टी, उन्हीं ने अभी तक कोई भी विकास का काम नहीं करा है. योगी जी ने अभी तक कोई भी अपना क्या कहते हैं प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी नहीं लॉन्च करा है. सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ऊपर सिर्फ फीलिंग्स को लेके हर एक पे बात होती है. फीलिंग्स को लेके बात होती है, मानते हैं क्या यहाँ पे कि फीलिंग्स को लेके बात होती है? आपका क्या ख्याल है सर?
आपका कोई ख्याल नहीं है, आपको बोलना नहीं है, कोई बात नहीं। आप क्या बताएंगे, आप बीजेपी है, सपा है, बसपा है, उनकी जोड़ी है? केंद्र में कोई आने वाला नहीं है सिर्फ बीजेपी के अलावा। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, मोदी इज बेस्ट, राजनाथ उससे भी ज्यादा बेस्ट, उसके आगे सब जीरो आएंगे। भैया काम कौन सा किया बताइए हमें, काम के सामने कौन सा काम नहीं किया आप बताइए, काम कौन सा किया, कौन सा काम? बात तो करने दीजिए उन्हें, एक सेकंड बात करने दीजिए, बोलने तो दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। आप घर 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 शौचालय बने हैं गांव में, हम भी गांव के वासी हैं, घर घर शौचालय बने हुए हैं, घर घर ऊर्जा लगी है, घर हर घर में वर्तमान में अब साल में छह के ठीक है। आप बताइए, कुछ बोलना चाहते थे, आप बोलना चाहते थे, नहीं बोलना चाहते, डर गए। हाँ आप बोलेंगे पहले सर, जो है भाजपा गवर्नमेंट ने जो है शौचालय का काम किया है, नक्सलाइटों का जो है देखिए आतंकियों के उसको किया है, काफी ऐसे देश हित में जो कि कार्य किए हैं, जो कि जो है खाने नहीं रहेगा, शौचालय का काम आएगा, ठीक है। ये शौचालय ये मेरे ये शौचालय की बात कर रहे हैं, ये जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता था, ये अखिलेश की बनाई हुई जगह है जहाँ पे आज ये खड़े हैं, ये पूरा अखिलेश की बनाई हुई जगह है, यहाँ पे रोजगार मिला है, यहाँ पे रोजगार मिला है, ठीक है यहाँ पे रोजगार मिला भाई, ऐसा नहीं मैं ये एक सेकंड, ये इलेक्शन जो लखनऊ में हुआ है ये कैंडिडेट्स का है, राजनाथ सिंह जी, पूनम जी और प्रमोद आचार्य जी जो कांग्रेस की तरफ से थे, या ये कुछ और है भाई? ये राजनाथ जो हैं वो कितने सालों से जीत चुके आप खुद बताए, दो टर्म जीत, ठीक है जीत गए, अब हम ये चाहते हैं कि वो अपनी सीट पे बैठे थे, अब उनकी जगह पे कोई और तो बैठे हैं, मतलब उनमें कोई आपको दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं हमारी, उनसे कोई रंजित थोड़ी ना, उनको जो काम करना था कर लिया भाई, हमको जहाँ पे आप क्या कहना जी बताइए। देखिए समाजवादी पार्टी यहाँ बेस्ट है, उसी ने सब काम किया, समाजवादी जी। अच्छा किसी का कोई अलग विचार है यहाँ पे? हाँ औरतों से बात करते हैं मैम, मैम आप बताइए कि आपको किस तरफ लगता है, लहर किस तरफ थी वोटिंग में? अब की बार मोदी सरकार, आपको लगता है क्लियर बात जी? क्लियर। और आपको? मोदी सरकार। ये मोदी सरकार, मोदी सरकार। आपने वोट करा है? डर गए? अच्छा जो डर रहे हैं वो पास ना है मेरे, पर एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक चीज हमें ध्यान रखनी, इधर आ जाओ, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये इलेक्शन में काफी मुद्दे थे, पर लखनऊ एक अकेली सीट नहीं थी, यहाँ के आसपास के काफी और सीटें थी जैसे अमेठी और रायबरेली भी थी, तो वहाँ पे तो कांग्रेस का माना जाता है, पर यहाँ पे जो प्रमोद आचार्य कांग्रेस वाले हैं वो कहते हैं कि बसपा और सपा भाजपा के साथ जुड़ चुकी है, एक सेकंड भाजपा के साथ सपा और बसपा जुड़ी हुई है, ये उन्होंने कहा है कांग्रेस वाले जो हैं कैंडिडेट, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने खुद कहा है आज, इसके बारे में तो हमें कुछ कह सकते हैं? आप क्या कह रहे थे अभी? हम ये कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ जो हैं, हाँ जी, यहाँ सपा से लड़ रहे हैं, हाँ। और बिहार में कांग्रेस के लीडर हैं सांसद, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या हम कर रहे हैं, एक अपने कांग्रेस लीडर को हराएंगे, प्रमोद कृष्णम को हराने यहाँ आए हैं शत्रुघ्न सिन्हा, ये कौन सी बात हुई, ये भी कोई वो लोकतंत्र में होता है? नहीं वो कह रहे हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि जो उनकी बीवी हैं वो यहाँ से आई हैं, लखनऊ से आई हैं, क्योंकि लखनऊ से उनका लगाव है, उनका पटना से लगाव था, लेकिन पटना से वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी हमें देगी, क्योंकि हमारा लगाव पटना से है, हम उनके साथ जुड़ जाएंगे, और बीजेपी भाजपा ने नहीं दिया, अपने कांग्रेस सांसद को हरा देंगे हम क्या? वही तो वो कह रहे हैं कि वो पटना के लिए रहे हैं, अरे ये शत्रुघ्न सिन्हा भी निकाल देंगे चार दिन के बाद में जी, निकाले जाएंगे। ये आपको ये बात थोड़ी चुभी है लोगों को कि पूनम सिन्हा जी सपा के साथ हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जी वहाँ पे कांग्रेस के साथ हैं? वो बात आपकी सही है, ये पॉलिटिक्स बहुत लंबी है, ये भाई राजनीति है, कोई जानता नहीं कब तीनों पार्टी हैं साथ में, अभी तो अलग अलग हैं सुना है, अभी तो खाली बसपा और सपा मिली है दोनों, वो कांग्रेस अलग है, मगर वो देखिए क्या होता है, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है, वो तीनों पार्टी। आपका क्या ख्याल है यहाँ पे लहर किसकी तरफ? यहाँ लहर समाजवादी पार्टी और बीएसपी मायावती की, आपको लगता है? जी, क्लियर। और आपको क्या लगता है, भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से? यहाँ पे कांग्रेस ने काफी अच्छा काम करा था, मतलब काम तो नहीं पर बात ये थी कि कांग्रेस सेकंड आई थी पिछली बार यहाँ पे। देखिए मोदी जो है वो सब कुछ बनाता है, सीधी बात समझे? देखिए एक सेकंड, आप लोगों से बात करें, आपने वोट करा आज? जी किया।
क्या किस तरफ थे आप? मोदी की तरफ। मोदी की तरफ क्यों? क्योंकि वो अच्छे आदमी। वो अच्छे आदमी। अच्छे लगे आपको? अच्छे लगे क्यों? लगे आपको क्योंकि वो देश का वो किए हैं। तो आपको लगता है यहाँ पे भाजपा जीतेगी या सपा बसपा के जुड़ने से फर्क पड़ेगा? यहाँ से भाजपा हारेगी, समाजवादी जीतेगी। भाजपा हारेगी, समाजवादी जीतेगी। समाजवादी जीतेगी। आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी जीतेगी, हारेगी? जीतेगी आपको लगता है? और कांग्रेस कहना मुश्किल है आपके लिए? ठीक है, सो देयर यू हैव इट, इट्स अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड हाउस एंड द डिस्कशन हैज ब्रोकन आउट हियर, सो आई एम गोना हैव टू लेट इट गो, बट वी आर एट ब्यूटीफुल लखनऊ. We're going to be taking a short break. On the other side, we're going to go to the Congress bastion. This was the BJP bastion. You have Alok Pandey there, my colleague, who's been tracking the developments in both Raebareli and Amethi. He's going to be giving us a sense of what's the battle look like between Smriti Irani and Rahul Gandhi and who is going to emerge on top. This is a special episode, a special Jugalbandi. My part is over. Up next, Alok Pandey. Well, welcome back. This time we are in Amethi, where there was this big Rahul Gandhi versus Smriti Irani battle. I'm going to go straight into the discussion because there are a host of people here wanting to talk to us. Sir, apna parichay de dijiye. Main Dr. Arvind Chaturvedi hoon. अच्छा, मुख्य जिला कांग्रेस कमेटी। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जीत जिसकी भी हो, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आपका जो ये न्याय का जो भी कैंपेन रहा है, पब्लिसिटी रही है, वो धरातल तक पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई? वो धरातल तक पहुंची है और न्याय योजना को सबने स्वीकार किया, सबने माना है, क्योंकि अब तक जुमलों और झूठों की बातें रही हैं। लेकिन चतुर्वेदी साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे थे, हमें भी बहुत लोग मिले, हमारे कोलीग्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आप गाँव देहात में जाइए तो वहाँ इतना पर्लोकेशन दिखता नहीं है। नहीं है, आप जहाँ भी जाए और जो जिस विकास की बात की जाती है अमेठी में, जिसने 60 और 70 के दशक की अमेठी देखी है और जो आज की अमेठी देख रहे हैं, दोनों में अंतर कर लीजिए, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, नवरत्न कंपनियां यहाँ पे हैं, HL, PHL, सेल, FDTI है, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, विमान यूनिवर्सिटी है जो एशिया में प्रथम है, ठीक है, आप CRPF सेंटर चले जाइए, ये सब देन है, और साथ साथ फर्टिलाइजर की बात हो, बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत कंपनीज आई हैं। ठीक है, आई कम बैक टू यू, बट आई वांट टू गो टू दिस साइड। विशु इज हियर, ही वाज हियर द लास्ट टाइम आई वाज इन द 2017 इलेक्शंस, ही इज स्टिल अराउंड, ही इज स्टिल विद द बीजेपी। ये बताइए विशु, उन्होंने कम से कम 10 बड़े प्रोजेक्ट मुझे गिना दिए जो उनका कहना है कि गांधी इसके टाइम में आया है। स्मृति ईरानी पिछली बार मोदी वेव में नहीं जीत पाई, तो वो ऐसा पूछे शायद कि आप कैसे जीते? कांग्रेसी सदमे में है, जितने कांग्रेसी हैं, क्यों बदहवासी छाई है इन लोगों को, उनका समझ नहीं आ रहा। 5 साल में दीदी स्मृति ईरानी ने जो ये कोई काम नहीं कर पाए थे 60 साल में, चाहे वो रेलवे का दोहरीकरण, विद्युतीकरण हो, RRT हटा के यहाँ पे BBAU खोला जिसमें 146 बच्चे अमेठी के पढ़ते हैं, उनको कम पैसे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, जो अमेठी के बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जानते नहीं थे, आज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब जानते हैं, और एक पान वाले का बच्चा बताता है कि मैं कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ता हूँ। लेकिन 1 लाख का डेफिसिट कैसे पूरा हुआ सर? आपका नाम क्या है? शुभम गई। पिछली बार 1 लाख से हारी थी, देयर वाज अ मोदी वेव। दिस टाइम देयर आर दोज हु आर सेइंग देयर इजंट अ मोदी वेव, इतना मोदी वेव नहीं है, गांधीज तो गांधीज हैं, वो इतने सालों से यहाँ पे हैं, तो कैसे ये पूरा होगा? सर ये ऐसे पूरा होगा कि देखिए, मैं दिल्ली से स्पेशली आया इस बार वोट देने के लिए, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को दिखाई दिया स्मृति ईरानी कर रही है, हम लोग जब इतने छोटे छोटे तब से हम देख रहे हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट है यहाँ पे, और उसके क्या मिल रहा है, एक वही जो कहते हैं ना, सब लोग बोलते हैं पप्पू, वो पप्पू का पप्लू मिलता है यहाँ पे, और कुछ नहीं। लेकिन अभी मैं नहीं, एक मिनट, जो अभी आपने पूछा ना 1 लाख वाला, उस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूँ। एक यहीं पे एक गांव है अमेठी के नगर से जुड़ा हुआ गांव, महमूदपुर गांव, जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है, मुस्लिम आबादी भी है और कुछ बैकवर्ड भी है, और कुछ ऐसे भी है जो एंटी बीजेपी वाले भी थे, वहां पे भी उन लोगों को भी अगर उनको शौचालय मिले, जिनको घर मिले, झोपड़पट्टी में जो लोग बचपन से रहते आ रहे थे, उनको जब मिला तो उनको क्यों नहीं वोट करेंगे? आई विल गो बैक टू दिस साइड। आपका नाम क्या है? मैं राजा ठाकुर अमेठी। राजा जी, ये बताइए कि ये दोनों लोग ये कह रहे हैं कि बेसिक बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो अमेठी में नहीं आई हैं, जबकि इतने साल से इतने बड़े लोगों ने नेतृत्व किया है, और एक चीज तो हम भी देखते हैं, देखिए अमेठी तो लखनऊ भी नहीं है, पटना भी नहीं है, छोटा शहर ही रह गया इतने साल से, ऐसा क्यों? सर ये गांव स्तर का है, अमेठी में ऐसी कोई सुविधा नहीं, यहाँ HL है, BHL है, RRT था, जो HRD मिनिस्टर रहते इन्होंने हटा दिया, उसके बाद यहाँ पे आ रहा था
मेगा फूड पार्क, उसको इन्होंने रामदेव को दे दिया। उसके बाद पेपर हिंदुस्तान पेपर मिल आ रही जिससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलता, उसको मोदी ने हटा दिया यहाँ से। आज न्याय योजना, महिलाएं जो वोट कर रही है पूरे देश में, आप घूम घूम देखे होंगे महिलाएं वोट कर रही हैं, ये एक न्याय योजना की ही देन है। और 15 लाख इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों देने का, एक ना नौकरी मिली है ना। सुनिए और सुनिए सर, हाई स्कूल और जितने नौकरी के पेपर निकलते हैं, जितने निकलते हैं लीक हो जाते हैं। आपका नाम क्या? वर्षे मेरा, क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करते, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइएगा, एक बात तो ये कह रहे हैं कि न्याय योजना मतलब रूरल एरियाज में गई है, दूसरा कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज करते हैं जब मोदी जी की बात करते हैं कि जॉब्स नहीं आए, आप जैसे यंग लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा उनका क्रिटिसिज्म है। अब ये इतना बड़ा गांधी जी कह रहा हूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों का स्ट्रांग होल्ड है, कैसे मतलब यहाँ पे आप लोग का वर्चस्व बढ़ेगा? नहीं, एक्चुअली ना, अभी मोदी जी ने जॉब्स दिए हैं प्राइवेट सेक्टर में, बहुत ज्यादा जॉब्स दिए हैं, और इस तरह गवर्नमेंट जॉब्स नहीं बढ़े हैं। ये आपको लगता है, बट आपको लगता है कि क्या कहते हैं कि अमेठी में आप लोग अपना कैंपेन ठीक से माउंट कर पाए इन द फेस ऑफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये लोग इतने बड़े बड़े लोग आए, तो आप लोग अपना कैंपेन उनके बराबरी का कर पाए? नहीं, वो केवल नामदार लोग हैं, कामदार लोग नहीं है, केवल आए चेहरा दिखा, वो हमेशा आते हैं बोलते हैं बाय बाय, लेकिन जनता समझ नहीं पाती। अच्छा, जनता आप समझ गई है बाय बाय बाय, इस बार जनता अमेठी कर रही है। आप भी जल्दी से बोल दें सर। यहाँ पे जैसे जिन्होंने कहा कि इतने बाईपास का हालत देख लीजिए, बाईपास में गड्ढे हैं, अभी आप जाके मीडिया के लोग सफर कर लीजिए, अगर आपके पसीने ना छूट जाए मुझे बताइएगा। राहुल गांधी इतने साल से सांसद, उन्होंने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया है। ठीक है, आपका नाम क्या? आशुतोष कुमार सिंह। आशुतोष, वो कह रहे हैं कि बाईपास पे जाते जाते ही हमारे पसीने छूट जाएंगे, तो भाई इतने बड़े आदमी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ऐसा क्यों है? 5 साल में केवल राहुल गांधी की जिम्मेदारी है बाईपास की, या स्मृति ईरानी की जिम्मेदारी नहीं है बाईपास। राहुल गांधी केवल देखते थे, यदि इनको दिखा बाईपास तो ये क्यों नहीं बना, इसको बताइए। अगर गड्ढा मुक्त केवल ये जिम्मेदारी राहुल गांधी का है, ये मंत्री रही है, इनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि ये इसको ठीक करा दें? I want to go to few neutral people around. आप क्या करते हैं सर? सर आएगा तो मोदी ही। क्यों? मोदी ने विकास किया है, हम लोग वोट करेंगे राष्ट्रवाद के नाम पे। आज मैंने एक वोट दिया है, मुझे ये फील हुआ है कि मैंने एक आतंकवादी को मारा है। ये बताइए मुझे आप, ए, 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 देखो तुमने कहा था नहीं करोगे यार, एक मिनट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि आपने एक वोट दिया उससे एक आतंकवादी मर गया, आपके शहर का बाईपास उससे कैसे बनेगा, आपके लोकल इश्यूज़? ये तो हमारे सांसद जी को बताना चाहिए, वो अपने सांसद निधि का जो है बायोडाटा 15 साल का नहीं दे सकते हैं, है ना? फिर भी हमारी दीदी जी ने 5 साल यहाँ चुनाव हारने के बाद भी पूरा समय दिया, जितना हो सका उन्होंने काम किया, और ये न्याय योजना लेकर आए हैं। ये बताए कि 75 सालों से इन्होंने अन्याय किया था जो न्याय योजना लेकर आए हैं। और एक मिनट, जो ITI, HL, BHL जितनी बात करते हैं, 2-4-10 को छोड़ के, बाकी जो अमेठी वाले केवल पान की दुकान लगाते हैं वहाँ पे, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है इन्होंने। सर आप जल्दी से इसका जवाब। ये जितना भी कार्य हुआ है केवल कांग्रेस रजीम और गांधी परिवार की देन है। मैंने कहा था कि आप 60-70 के दशक के अमेठी देखिए, आज के अमेठी देखिए, इन्होंने जवाबदेही हमेशा सत्ता की होती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसकी होती है, पावर की होती है। आप लोग भी तो सत्ता में इतने साल रहे, मैं बता रहा हूँ 5 वर्ष इनकी गवर्नमेंट रही है और केंद्र में, और 3 वर्ष यहाँ पर रही है। ट्रिपल IT, मेगा फूड पार्क, पेपर मिल ले गई और तमाम योजनाएं ले गई, कोई साइड नहीं ले रहा। किया क्या? मेरी बात सुनिए चतुर्वेदी साहब, 5 साल पहले तो आप ही की सरकार थी, तो पहले कौन सा सरकार थी? हमारी सरकार थी, तो अगर हमने कार्य न किया होता तो हम चुन के न आते। राहुल गांधी जी को, गांधी परिवार को अमेठी इसलिए चुनती है कि वर्क इज वर्शिप, उन्होंने कार्य किया है। अमेठी को परिवार समझा है वो अलग चीज है, 40 सालों का भावनात्मक रिश्ता है। इसलिए इस बार भी 5 लाख वोटों से जीतेंगे और 2019 के प्रधानमंत्री होंगे राहुल जी। झूठा झूठा झूठा। एक मिनट, और कोई बोलना चाहेगा? आपका नाम क्या है? दिनेश पांडे। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यहाँ काम किया है और सारी कार्य की जिम्मेदारी उनकी तो है नहीं, सरकार की तो आप रही है 5 साल, बाईपास बनना था आप ही बना देते। आपने 5 साल पहले क्या स्थिति थी जरा आप उनसे पूछें। और अब अमेठी की जनता, उनको हार पहले से निश्चित होगी, हमारी हार होने वाली है अमेठी से, इसलिए वो वायनाड चले गए। और आज अमेठी की जनता ने उन्हें EVM से भी निकाल दिया है। लेकिन हमारे कांग्रेसी भाई हताशा और निराशा न हो, भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, उनको भी खुश रखेगी, सबका विकास करेगी। सर आप नहीं बोले, आपका नाम क्या है? जगत नारायण मौर्य, पूर्व प्रमुख अमेठी। मौर्य जी, आप ये कैसे देखते हैं, इतनी हाई प्रोफाइल बैटल रही है, स्मृति ईरानी कह रही है कि वो 30 दिन यहाँ रही, राहुल गांधी पूरे दिन नहीं रहे, आज भी नहीं आए? देखिए, हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री चुनते हैं, ना कि सांसद।
और जब प्रधानमंत्री चुनते हैं तो उनको हमारा दायित्व है कि वो पूरे देश में सेवा करे। खाली अमेठी से जो है वो नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, जब पूरे जो है देश में जो है दौरा करेंगे तब प्रधानमंत्री बनेंगे। अमेठी तो हम उनका घर है और अमेठी उनका घर होने के वजह से तो वो प्रचार कभी भी आ जाए कर दे तो कोई वो नहीं है। बाकी जल्दी से आप बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बताएं। अगर 23 तारीख को राहुल गांधी 2.5 लाख वोट से नहीं जीतेंगे तो आपका जूता हमारा सर होगा। एक मिनट। विष्णु आप बताइए, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बड़ी शख्सियत है, बेसिकली कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक बड़ी शख्सियत है। और देखिए, बड़ी शख्सियत जब होती है तो चाहे थोड़े बहुत फैक्टर्स उनके खिलाफ भी हो तब भी वो लोग जीत जाते हैं। चाहे मोदी जी को ही देख लीजिए, बनारस गए पहली बार जीते, आप बताइए। इनके पास अमेठी में कोई कांग्रेस नेता नहीं बचा, कार्यकर्ता नहीं बचा। बूथ पे ढूंढने के लिए ना कल 10,000 रुपए लेकर ढूंढ रहे थे, एक भी नहीं बचा। पैसे के नाम पे इमोशनल ऑडियो प्रियंका वाड्रा रिलीज कर रही है कि हमको वोट दे दो, भीख मांग रही है ये। और यह अमेठी को घर बताती है, घर बताती होती ना तो योगेंद्र मिश्रा यहाँ की जिला अध्यक्ष चिट्ठी लिख के कहते थे कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सॉरी, आई हैव टू रैप, इट्स बीन अ लाइवली डिबेट एंड आई थैंक बोथ साइड्स, क्योंकि डिबेट हुई यहाँ पे, ज्यादा नारेबाजी नहीं, उसके लिए मैं दोनों तरफ का शुक्रगुजार हूँ। विल कम बैक टू दिस डिबेट अगेन ऑन द डे ऑफ काउंटिंग। फॉर नाउ, राजेश ठाकुर, सुभाष अनायर साइनिंग ऑफ फ्रॉम अमेठी एंड इज अमितोज फ्रॉम लखनऊ।